नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बलहारगंज थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित की जा रही भांग की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस भांग के कारखाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से करीब 1.5 क्विंटल भांग और उपयोग में ली जा रही मशीन बरामद की है। इंदौर में नशे के आदि लोगों के लिए भांग का अवैध उत्पादन आम बात है। ताजा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां अवैध रूप से संचालित की जा रही एक भांग की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस भांग के कारखाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए यहाँ से करीब 1.5 क्विंटल भांग और उपयोग में ली जा रही मशीन बरामद की है। दरअसल पुलिस ने जिन 3 संचालकों को गिरफ्त में लिया है, उनमें से एक पर 14 अपराध दर्ज है। पुलिस पकड़ में आए 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना बलहारगंज में एक भांग की फैक्ट्री का संचालन हुआ था, जिसकी कार्रवाई की गई है थाना प्रभारी जो कि क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और थाना बलहारगंज की टीम के द्वारा एक अवैध रूप से संचालित भांग की फैक्ट्री पर दबिश दी जाकर उसका पर्दाफाश किया है। उसमें लगभग 110 किलो सूखी भांग मिली है और 20 किलो गीली भांग, कुल मिलाकर लगभग 1.25 क्विंटल के करीब भांग मिली है, 1.25 से 1.5 क्विंटल के करीब। और इसमें जो कि कुछ ऐसे मशीनें भी मिली हैं, जिसमें जो भांग बनाने की मशीन भी मिली है और उसको बारीक करने की, और इसमें जो 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कि रिंकू, सुनील और आकाश, इनमें 2 अपराधियों के खिलाफ लगभग एक के खिलाफ 14 अपराध और एक के खिलाफ 6 अपराध है, मतलब लगभग इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल थाना मलारगंज में इन 3 को गिरफ्तार किया गया है और FIR रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।